तो दोस्तों यहाँ पे हम आज बात करेंगे ट्रेन में। ट्रेन में अगर आप सफ़र करने जा रहे हो तो ट्रेन के बहुत से रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तो वहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर बच्चे के साथ जर्नी करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स का देखना पड़ेगा कि आप कितने साल के बच्चे के साथ सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों यही बताऊँगा आज वीडियो में कि आप कितने साल तक बच्चे का टिकट ले सकते हैं और कितने साल तक बच्चे का टिकट आपको नहीं लेना पड़ेगा, और कितने साल तक बच्चे का टिकट आपको हाफ लगेगा और कितने साल के बच्चे का टिकट का पैसा फुल देना पड़ेगा आपको। बच्चे का जो छोटे बच्चे हैं उनका पैसा फुल, जो टिकट अगर सीट नहीं लेते हैं तो क्या उनके लिए फुल पैसे पे करना पड़ेगा, इसी को टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहिए। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नए इंपॉर्टेंट अपडेट आते रहे आपको हमेशा मिलता रहे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको अगर इंडियन रेलवे में सफर करना है तो यहाँ पर इंडियन रेलवे बोलता है कि अगर आपका बच्चा 5 साल है, अगर आपका बच्चा 5 साल के नीचे में है आता है तो आपके बच्चे का कोई भी टिकट नहीं पे करना पड़ेगा, कोई भी टिकट आपको नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा इंडियन रेलवेज का रूल बोलता है। तो आपका अगर बच्चा आपका 5 साल से नीचे है तो कोई भी टेंशन मत लीजिए, आपका वहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा आप। लेकिन हाँ, जब फॉर्म भरते हैं, रिजर्वेशन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे अपने बच्चे का डिटेल जरूर दे दीजिए, ठीक है। बच्चे का जो फॉर्म में डिटेल आप जरूर वहाँ पर फिलअप कर दीजिए ताकि आपको आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम होता है, बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ट्रेन में, ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं जिससे क्या होता है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, तो अपने बच्चे का डिटेल जरूर वहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कोई बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि हम तो जनरल बोगी में बच्चे को लेकर सफ़र कर रहे होंगे तो वहाँ पर बच्चे को कैसे करेंगे। तो दोस्तों वहाँ पर आपको बच्चों का खुद ही सेफ अपना रखना पड़ेगा, पास में रखना पड़ेगा, और वहाँ पर बच्चे का तो डिटेल दे नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर तो आप जनरल टिकट लिए होंगे, ठीक है। तो जनरल टिकट में भी बच्चे का आपको 5 साल के नीचे है तो वहाँ पर आपको कोई भी टिकट पैसे मतलब पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि कितने साल तक बच्चे का हाफ टिकट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, 12 साल तक बच्चे, 5 साल से लेकर 12 साल तक बच्चे का आप टिकट को हाफ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे आपको यह भी बता दूं, अगर 5 साल से लेकर 12 साल तक बच्चे का टिकट अगर हाफ लेते हैं तो वहां पे आपको मतलब कोई भी सीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी, कोई भी सीट प्रोवाइड नहीं करिएगी। जनरल में आप लेंगे तो भी आपको पता है कोरोना काल में जनरल का भी 2S का भी टिकट कटता है, 2S का भी टिकट होता है, 2S मतलब जनरल बोगी का बोल रहा हूँ, वो भी टिकट यहाँ पे ऑनलाइन काटा जा रहा है या तो प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर से मिलता है। तो अगर वहाँ पे अगर आपका बच्चा 12 साल के नीचे है, 5 साल से ऊपर और 12 साल के नीचे है तो वहाँ पे भी आपको बता दूँ वहाँ पे भी सीट अगर प्रोवाइड नहीं की जाएगी हाफ टिकट लेंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चे का 5 साल से लेकर 12 साल तक बच्चे का आप अगर टिकट लेते हैं, फुल टिकट लेते हैं, तो वहाँ पे आपको बच्चे का फुल टिकट लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको वहाँ पे सीट प्रोवाइड किया जाएगा, आप सीट वहाँ पे बच्चे को मिलेगा, आप वो बच्चे को बैठा के लेके जा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था दोस्तों, पहले बता दूँ जब हमारे देश में कोरोना नहीं आया था तो कोई भी बच्चे का अगर फुल टिकट भी लेते हैं तो वहाँ पे हाफ पेमेंट भी पे करना पड़ता था, मतलब पहले ही पे मतलब हाफ पेमेंट पे कर दिए तो भी हमको वहाँ पे सीट बच्चे का मिल जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अगर आप जब तक हाफ पेमेंट करेंगे तो भी बच्चे का टिकट नहीं मिलेगा वहाँ पे, मतलब नहीं मिलेगा मतलब सीट नहीं मिलेगा। अगर फुल पेमेंट करते हैं दोस्तों तो वहाँ पे आपको बच्चे का सीट भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप बच्चा आपको सेफ एक सीट पे पूरा रिजर्व करके जा सकता है, ठीक है। अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो आपको जो बच्चे का है, बच्चे का अपने सीट पे सुला के या जैसे हो सके वैसे बैठा कर ले जा सकते हैं, दूसरे की सीट पे नहीं बैठा सकते। हाँ, दिन की बात अलग होती है कि दिन का जो सीट होता है वो शेयर हम जरूर किसी के साथ कर सकते हैं, दूसरे का सीट हम शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा रूल्स रेगुलेशन है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया कितने साल तक बच्चे का टिकट आपको नहीं लगेगा, कितने साल तक टिकट आपको लगेगा, और जो बताया हूँ आपको 5 साल से 12 साल के तक नीचे बच्चे का उनका टिकट हाफ लगेगा लेकिन आपको वहाँ पे सीट नहीं मिलेगा। अगर आप फुल टिकट लेते हैं तभी वहाँ पे बच्चों का वहाँ पे सीट दिया जाएगा। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।